कवीन, कवीन बेटा, उठ जाओ बेटा। जाओ माँ, मुझे सोने दो। उठ जाओ ना। मुझे सोने भी नहीं देते हैं। क्या खुशबू है। सुनिए, कम से कम ब्रश करके तो चाय पीजिए। हमेशा मेरी बेइज्जती करती रहती है। क्या माँ, अभी तो 3:30 ही बजे हैं। नहाना है, चलो छोड़ो, चलो जल्दी करो। छुट्टी फिर देर हो रही है, जल्दी करो। इंस्पेक्टर सिंह, आप जबरदस्ती करोगी तो मैं नहीं नहाऊंगा। टीवी क्यों बंद कर दिया? चुप करो और कपड़े पहनो। अरे ये कोई नाश्ता करने का समय है क्या? आप वहाँ जाकर वापस कब आओगे कुछ पता नहीं, क्योंकि वो जगह ही वैसी है। बात तो सही है। हम कहाँ जा रहे हैं माँ? बताती हूँ, तुम एक जगह बैठ नहीं सकते, जब देखो उछल कूद। भगवान, सुबह 3 बजे से उठकर खाना बना रही हूँ। ब्रेकफास्ट ठीक बनाया ना? वो क्या है ना, तुम सिर्फ बनाती रहो, मैं सिर्फ खाता रहूंगा। जिस दिन तुम्हारा खाना अच्छा लगेगा उस दिन मैं खुद ही तुमसे कह दूंगा। तुम्हें कैसा लगा बेटा? सुपर मम्मी। इसे कैसे अच्छा लगा? डैडी, आपने अच्छा नहीं कहा तो घूर रही थी, लेकिन मैंने अच्छा नहीं कहा तो मुझे मारेंगी, इसलिए तारीफ कर दी डैडी। जाओ जाओ। लेकिन जा कहां पर रहे हैं हम लोग? हर स्कूल से आसानी से लीविंग सर्टिफिकेट लेके आ जाता है, एडमिशन मिलना कितना मुश्किल है ये दिखाने के लिए साथ लाया हूँ। अच्छा अच्छा। हेलो मिस्टर, 5 बजे के पहले आ गया हूँ, फिर भी टोकन 1093 क्यों दिया यार? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ लोग कल शाम 5 बजे से खड़े हैं। तो फिर ठीक है भाई। हम लोग इतनी लंबी लाइन में क्यों खड़े रहे पापा? बिना लाइन वाले स्कूल चलते हैं ना? नहीं बेटा, इस एरिया का सबसे बेस्ट स्कूल है ये। पैसे थोड़े ज्यादा लेते हैं लेकिन स्टैंडर्ड है, तुम फर्स्ट रैंक लेकर आओगे इतना काबिल बना देंगे तुम्हें। यहाँ जितने लोग खड़े हैं वो यही सोच रहे होंगे ना, लेकिन फर्स्ट रैंक तो किसी एक को ही आएगा। तुम खड़े रहो, आप बस उन पर ही भरोसा करोगे, हम पर तो भरोसा ही नहीं है। कोई बात नहीं। अरे क्या कर रहा है? सॉरी मैडम। चुपचाप खड़े नहीं रह सकता क्या? हमारे जमाने में मास्टर जी घर आकर विनती करते थे कि अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, लेकिन अब बच्चों को पढ़ाने के लिए लाइन में लगकर पैसे देकर हमें विनती करनी पड़ती है। हमारे जमाने में स्कूल को सरकार चलाया करती थी, वाइन शॉप प्राइवेट चलाते थे, लेकिन अब वाइन शॉप सरकार चलाती है और स्कूल प्राइवेट चलाते हैं। सब कलयुग है। इतने लोगों ने यहाँ लाइन क्यों लगा रखी है? कुछ फ्री में मिल रहा है क्या? ये फ्री में कुछ नहीं देते बेटा, सब छीन लेते हैं। पापा पापा रुको। क्या हुआ बेटा? हमारे मास्टर जी। गुड मॉर्निंग मास्टर जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गो गो। तुम्हारे मास्टर हैं? हाँ पापा। हेलो सर, जरा आएंगे यहाँ? हेलो, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, जरा उनसे मिलकर। हाँ ठीक है ठीक है। क्या हुआ? गवर्नमेंट स्कूल के टीचर होने के बावजूद आप खुद के बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल में दाखिला करवा रहे हैं, आपके भरोसे हम हमारे बच्चे को भेजते हैं। भाई साहब, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, मेरे जैसे कई हैं। आप चाहें तो आप भी लाइन में खड़े हो जाइए, लेकिन जगह मिलनी बहुत मुश्किल है। हम स्कूल पे भरोसा नहीं करते सर, अपने खुद के बच्चों पर करते हैं।
सही सोचा है आपने, कीजिए कीजिए। सरकारी नौकरी करने वाले अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही दाखिला करवाइए, कानून बने तो सरकारी स्कूल सुधरेंगे। पापा, हमारे स्कूल और उनके स्कूल में क्या फर्क है? तुम्हारे स्कूल में पढ़ने वाला हिंदी में गाली देता है और उसके स्कूल में पढ़ने वाला इंग्लिश में गाली देता है, बस इतना ही फर्क है बेटा। इतनी भीड़ है, कम से कम पुलिस वालों को तो बुलाना चाहिए था। सर, मैं खुद पुलिस वाला हूं और अपने बेटे के लिए लाइन में खड़ा हूं। बाप रे, इंटरव्यू में ना जाने क्या पूछेंगे। इतने स्कूल आप लोगों ने चेंज क्यों किए? हम किसी भी स्कूल से सेटिस्फाइड नहीं थे मैम, इसलिए हमने सर्च किया तो पता चला कि आपका स्कूल सबसे बेस्ट है। हाँ, नाम क्या है बेटा? नैना। तुम क्या क्या जानती हो बताओ? बहुत कुछ जानती हूँ, आप क्या सुनेंगी? राइम, स्टोरीज, कुछ भी चलेगा। राइम सुनाओ या स्टोरी? अब तो मिलने से रहा एडमिशन। स्टोरी सुना दो। मेरी पढ़ी हुई स्टोरी सुनाओ या मेरी लिखी हुई स्टोरी सुनाओ? ओह, तो आप कहानी भी लिखती हैं? व्हाई नॉट। अब तो खानदान में से किसी को यहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई भी जो तुम्हें पसंद हो। रावण सीता को श्रीलंका में उठा कर ले जाते हैं। सीता को बचाने के लिए राम हनुमान से हेल्प मांगते हैं। हनुमान भी हेल्प के लिए हाँ कह देते हैं। कहानी सुनने वाले एंजॉय करेंगे तभी तो कहानी आगे बढ़ेगी। ओके ओके, आगे सुनाओ। अब हनुमान अपने फ्रेंड स्पाइडरमैन को फोन करते हैं। हाँ बोल भाई, क्या हुआ? छोटे, एक हेल्प चाहिए। ऐसे क्यों? क्योंकि इंडिया और श्रीलंका के बीच में बहुत सारे पहाड़ समंदर है ना, और स्पाइडरमैन टक टक जाल बनाकर उड़ सकते हैं ना। अच्छा, हनुमान में भी उड़ने की क्षमता थी? हाँ, क्षमता तो थी, लेकिन उनके हाथ में संजीवनी का पहाड़ है ना, इसलिए तेजी से नहीं उड़ सकते हैं। हनुमान और स्पाइडरमैन तेजी से श्रीलंका पहुंचकर रावण के साथ धिशुम धिशुम लड़ाई करते हैं और सीता को बचा लेते हैं। सीता उन दोनों को थैंक्स भी कहती है। क्यों? हेल्प करने वाले को थैंक्स कहना चाहिए ना। हाँ, आगे। फिर हनुमान फोन करके हल्क को बुलाते हैं। व्हाट्स अप ब्रो? हल्क भी आ गया। आते वक्त तो दोनों आसानी से आ गए थे, अब सीता को ले जाने के लिए भी कोई चाहिए। हनुमान भी तो सीता को ले जा सकते हैं। कैसे होगा, एक हाथ में पहाड़ और एक हाथ से स्पाइडरमैन का जाल भी पकड़ना है ना। करेक्ट। ये बहुत फनी है। मेरे मम्मी पापा को मेरी बातों पर कभी हंसी नहीं आती, गुस्सा ही आता है। स्टोरी खत्म हो गई क्या? नो, वो तीनों इंडिया आते वक्त मेरी फ्रेंड रंजना से मिलते हैं। सीता उससे थोड़ी देर बात भी करती है। वो लोग तुम्हारी दोस्त रंजना से मिलने क्यों आएंगे? ये मेरी लिखी कहानी है, उसमें कोई भी आ सकता है। वो तीनों इंडिया आकर मुंबई के एक बस डिपो पर आकर खड़े हो जाते हैं। बस डिपो पर आकर खड़े हो गए, किस लिए? रास्ता भूल गए थे इसलिए खड़े हो गए। हल को तुरंत एक आईडिया आता है और वो डोरा को फोन लगाते हैं। डोरा, मैं हल्क बोल रहा हूँ। हाँ हल्क, बोलो, तुम्हें कुछ मदद चाहिए क्या? डोरा कौन है? इसीलिए हमेशा कहती हूँ कि मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। डोरा वो है जो रास्ता बताती है, उसके हाथ में हमेशा मैप होता है। डोरा के आते ही सब मिलकर सीता को दिल्ली के पंजाबी गार्डन में छोड़ देते हैं, बस इतना ही। सीता को दिल्ली के पंजाबी गार्डन में क्यों छोड़ो? क्योंकि वही मेरा घर है और मैं ही वो सीता हूँ। तुम्हारे जैसे बच्चों की ही स्कूल को जरूरत है। नैनू, इट्स ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जिद मत करो बेटा, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। ये तुम्हारा सेकंड स्टैंडर्ड में फोर्थ स्कूल है। पापा ने पुलिस से सिफारिश करके ये एडमिशन करवाया है। तुम्हारे स्कूल ढूंढने के चक्कर में तुम्हारे पापा अपना ट्रांसफर करवाते हैं। मम्मी को प्रॉमिस करो। क्या करना होगा? अच्छी तरह पढ़कर फर्स्ट से थर्ड रैंक लाओगे, मिस से बहस नहीं करोगे, टीचर्स का नाम नहीं लोगे, बैड वर्ड्स नहीं बोलोगे, बच्चों के साथ लड़ाई नहीं करोगे, एक जगह बैठ कर रहोगे, तुम म्यूजिक सुनकर नाचने नहीं लगोगे। चलो मुझे प्रॉमिस करो। ओके मम्मी, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। ठीक है नैना बेटी, शैतानी मत करना। ओके गो।
बाकी बच्चों को भी बिगाड़ रही है। प्लीज भगवान के लिए हमारे स्कूल से लेकर जाओ। पागल है क्या? कभी काट खाती है, कभी बच्चों को मारती है। किसी की बात नहीं मानती, जो बोलो बहस करने लगती है। क्लास के समय सोने लगती है, अचानक बाहर जाकर खेलने लगती है। क्या करें इसका? इसमें डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं। पूरे टीचिंग करियर में इससे ज्यादा वर्स्ट स्टूडेंट कभी नहीं। हमारे स्कूल से लेकर जाइए प्लीज। आपने जो फीस दी है, डोनेशन दिया है, सब कुछ हम वापस देते हैं। प्लीज हमारे स्कूल से इसे लेकर जाइए, हम इसे और नहीं झेल सकते।